स्मार्ट चार्जिंग स्टेशंस। हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है इलेक्ट्रिक्स व्हीकल्स को स्मार्ट चार्जिंग स्टेशंस। इस वेबसाइट के थ्रू उस स्मार्ट चार्जिंग स्टेशंस बुक कर सकते हैं। ये हमारा होम पेज है, स्मार्ट चार्जिंग स्टेशन सर्विसेज। स्मार्ट चार्जिंग स्टेशंस अबाउट अस, हैप्पी क्लाइंट्स, क्रिएटिव डिजाइन्स, सपोर्ट्स एंड प्रॉफिट्स। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर को साइन अप करेंगे। यूजर आईडी, यूजर पासवर्ड, यूजर व्हीकल्स नंबर। यूजर का साइन अप यहाँ पे हो चुका है और हम यूजर का लॉगिन करेंगे। यूजर्स आईडी, यूजर्स पासवर्ड। हम यहाँ पे यूजर का पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड के जरिए चेंज भी कर सकते हैं। अब आपका अगर पासवर्ड फॉरगेट हो चुका है तो आप यहाँ पे न्यू क्रिएट्स भी कर सकते हैं। लॉगिन, यूजर्स इंफॉर्मेशन, कॉल फॉर बैटरी। आपके या जगह से आपकी लोकेशन से अगर स्टेशन काफ़ी दूर पे है तो आप अपने नियर बाय स्टेशन को बैटरी के लिए डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे सभी स्टेशन के नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। बैक चार्जिंग स्टेशन, यहाँ पे हमने मैप भी शो किया हुआ है। आपकी लोकेशन से कौन सा स्टेशन कितनी दूरी पर है ये आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। स्टेशन कौन सा स्टेशन कौन सी कंपनी का है यहाँ पे सारे डिटेल्स दी हुई है। आप यहाँ पे जो आपकी नज़दीक का लोकेशन से वहाँ का स्टेशन आप बुक कर सकते हैं। वेटिंग टाइम, हर एक स्टेशन में कितना वेटिंग टाइम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि टाटा नासिक रोड के स्टेशन में एक ही वेटिंग है, अदानी द्वारका वाले स्टेशन में तीन वेटिंग है, टेस्ला त्रिमूर्ति वाले स्टेशन में दो वेटिंग है, किया सीबीएस वाले स्टेशन में दो वेटिंग्स है, ओला आरके वाले स्टेशन में एक ही वेटिंग्स है। तो आप अपने नज़दीक की लोकेशंस का स्टेशन बुक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेट कार्ड भी शो किया हुआ है। हर स्टेशन का पर मिनट क्या प्राइस है वो भी यहाँ पर शो किया हुआ है। अब आप यहाँ से कोई भी स्टेशन बुक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अब ओला आरके का स्टेशन बुक करने वाले हैं। आपकी रिक्वेस्ट उस ओला के स्टेशन को भेज दी गई है। आप चाहे तो अपनी बुकिंग बुक करने के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करके आप वो बुकिंग कैंसिल भी कर सकते हैं। लॉग आउट, अब हम यहाँ पे एडमिन का लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमने एडमिन का लॉगिन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ओम नाम के यूजर ने यहाँ पर ओला के स्टेशन को बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। तो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब एडमिन उस यूजर को एक टाइमिंग देगा, उस टाइम डिक्लेयर करेगा।
और उस एडमिन यहाँ पे उसकी तरफ से वो रिक्वेस्ट कंफर्म कर देगा। एडमिन यूज़र की रिक्वेस्ट कैंसिल भी कर सकता है। एडमिन ने अभी रिक्वेस्ट कंफर्म करने के बाद यूज़र्स को ये रिक्वेस्ट शो होगी उसका स्टेटस। यहाँ पे हम एडमिन को किस किस का पेमेंट हो चुका है ये भी डिटेल्स एडमिन देख सकता है। अब हम वापस यूज़र का लॉगिन करेंगे। यहाँ पर हमने वापस यूज़र की लॉगिन की है। अब हमने यूज़र का स्टेटस जो है वो चेक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे कंफर्म की हो चुकी है। अब यहाँ पे बिल पे क्लिक करने के बाद हम वो स्टेशन्स को पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका बिल डायरेक्टली जनरेट हो जाता है पेमेंट सक्सेसफुल। थैंक यू।